दरभंगा के जीएम रोड हत्याकांड में एक बार फिर सनसनी मचा देने वाली खबर सामने निकल कर आई है। मंगलवार की सुबह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे जिलाधिकारी के सामने निक्की झा ने जो आरोप लगाए हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि तत्काल मुआवजा राशि के रूप में निक्की और उनकी मां को 1,00,000 रुपए का चेक देने पहुंचे डीएम साहब के सामने पीड़िता ने जो आप बीती सुनाई, उसने फिर एक बड़े घटना की आशंका को जन्म दे दिया। इतना ही नहीं, इस बार जो नाम बार बार निक्की डीएम साहब के सामने ले रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि दरभंगा राज्य परिवार के कुमार कपिलेश्वर का है। ऐसे में जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि प्रशासन उनकी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार है और रहेगी। फिर कल परसों से वो जाने वाला था, तो फिर हमने बातचीत को बोले सर, मैं जी को बोला कि आप काम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन नहीं कीजिए, इससे और बड़ा घटना हो सकता है। अगर आप कीजिएगा को भी बोला जा रहा है कि तुम कर रही हो ना, तो हट जाओ, देखिए आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके बावजूद आपको लगता है कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन कोर्ट को दीजिए, वहाँ डॉक्यूमेंट आपका रखा जाएगा, ये आपका डिफेंस में भी काम आएगा, ठीक है, तो आप वहाँ सारी बातें कह सकती हैं, आप जो भी विद इन क्या सकते जरूरी जवाबदेही है हम लोगों की, सारा आपका जो विटनेस है उसको, हाँ, इसमें एक ऑर्डर भी होता है सर, कोर्ट से एक ऑर्डर होता है कि जितने भी विटनेस उनकी सुरक्षा दी जाए, सर सुरक्षा प्रदान, ये भी अपील वहाँ पे आवेदन कर लेंगे, ये दीजिए आप कोर्ट में एक आवेदन दीजिए कि इस केस के जितने भी विटनेस है, आई विटनेस है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको प्रॉपर सुरक्षा की ज़रूरत है, तो आपको ऑर्डर हो जाएगा वहाँ से जन साहब के तुरंत विटनेस प्रोटेक्शन के लिए, नो इशू इसमें। ये सर स्थानीय थाने में या सीजीएम कोर्ट में, सर कहाँ पर सीजीएम कोर्ट में आपका मामला सीजीएम में चल रहा है, ठीक है, वहाँ एक पैनल लॉयर भी आपको उस दिन मिलाए थे, हम आपके लिए एक लॉयर भी रख दिए हैं जो बिना विदाउट फीस आपका केवल असिस्ट करेगा, वो कुछ भी आप उनसे राय ले सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह से हेल्प किए, मदद किए, क्या कहेंगे? 1,00,000 रुपये का मम्मी को और हमको 1,00,000 रुपये का चेक दे के गए हैं, और आगे बोले कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा, और बोले कि हम लोग को जो थ्रेटनिंग मिल रहा है दोनों पार्टी के द्वारा, कपिलेश्वर सिंह और शिव कुमार झा के द्वारा मिल रहा है कि अगर आप लोग ये नहीं, हमको मतलब मेरी दीदी है और हम लोग सिर्फ लेडीज़ हैं, और मेरे एक जीजा जी हैं, उनको भी मिल रहा है, आप साइड हो जाइए नहीं तो इससे बड़ा और घटना होगा। उनका भी कंप्लेन डीएम सर के सामने हम किए हैं और वो बोले हैं कि आप लिखित दे दीजिए, और बोले स्पीडी ट्रायल भी बहुत जल्द शुरू होगा, वो भी आश्वासन दिए हैं हमको, और लगातार जो है सो हमको इस बीच में मतलब दूसरे के द्वारा भाया मीटिया मतलब वो ये बता रहे हैं कि आप इससे भी बड़ा घटना करेंगे, और धमकी मिल रहा है कि आप लोग साइड हो जाइए, जो मेरे दीदी है और मेरे जीजा जी जो मेरे साथ रह रहे हैं उनको, कि कुछ भी हो सकता है आगे, साइड हो जाइए आप लोग, इस तरह का हमको क्या बताया, धमकी में क्या कहा जाता है, केस उठाने के लिए क्या क्या किस तरह के केस उठाने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि इससे भी बड़ा घटना हो सकता है, इसलिए आप लोग मेरे जीजा जी को ये कहा गया कि इससे भी बड़ा घटना होगा और आप साइड हो जाइए, जितना भी आप काम करते बाहर निकलते हैं इसलिए, और कपिलेश्वर सिंह के द्वारा उनके भी रिलेशन लगेंगे, मेरे भी रिलेशन लगेंगे, और वो बोले क्या कि आप मेरा नाम देके क्या कर लीजिएगा, मेरा नाम देके कुछ नहीं कर पाइएगा, और वही सब कुछ करवाए में बेच दिए कपिलेश्वर सिंह बेच दिए, और वही हम जो मेरे भाई बहन अब तो चले ही गए, अब उनको कोई इससे वो नहीं है, दोनों भाई बहन चले गए, उस वो भी घटना हुआ, उनका सबसे बड़ा हाथ है इस उस घटना, तो अब भी आप लोगों को कोई डर सता रहा है क्या? जी अभी भी सता रहा है, अभी भी घर के बाहर कुछ लड़का मतलब गुंडा टाइप का वो भी आता है, देखता है घर, मतलब निरीक्षण में रखा हुआ है वो अपने घर को, बाहर निकलते हैं तब डर लगता है। जिलाधिकारी से आपने जब अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या उन्होंने बताया? बोला कि आप लिख के लिखित में आप दीजिए और आपको और प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब तक का जो जांच चल रहा है पुलिस का और प्रशासन का, उसमें आप संतुष्ट पा रहे हैं जो प्रशासन का रवैया है उसके अंदर? आज से 3 दिन पहले प्रशासन को यहाँ से हटाने का हमको कुछ नॉलेज में नहीं था, हटाने का किया गया
प्रयास। तो वो लोग अंकल लोग अचानक से आए और बोले क्या कि अब हम लोग को यहाँ से बदली होने का वो आ गया है। तो फिर हमने सर को कॉल किया, पहले एसएसपी सर को, तो एसएसपी सर ने फिर से कॉल नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैंने जावेद सर का नंबर था मेरे पास, उनको कॉल किया, सर ऐसे से बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने डीएम सर को। फिर अंकल है मतलब भैया वो नहीं, फिर डीएम सर के ऑफिस में हमने कॉल किया, तो डीएम सर के ऑफिस से बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग को दिया गया है अभी और रहेगा। फिर हमने मेरे एक भैया उनको कॉल किया, भैया ऐसे से हटाया जा रहा है, तो भैया बोले नहीं तुम लोग को दिया गया है, नहीं हटा सकते। फिर हमने डीएम सर को दोबारा कॉल किया, तो डीएम सर ने फिर से रखवाया, फिर से बोला कि नहीं नहीं हट सकते हैं, फिर से कॉल बैक करके फिर बोला गया, तो फिर वो रहे। लेकिन हम लोग के नज़र में ये नहीं था कि आज हटने वाले, अचानक से ये सब हुआ 3 दिन पहले। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज आया था सामने, आपको लगता है कि सारी गिरफ्तारियां हो गई है पुलिस? जी नहीं, क्या जी नहीं, सारी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसी वही डर है कि लगभग 40 से 50 सब गुंडा आया हुआ था, तो वही डर है कि आगे और कहीं घटना ना हो जाए, क्योंकि हम है, मम्मी है और जीजा जी एक, तो फिर वही हो जाएगा कि भैया एक था तो अकेले क्या कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि कपिलेश्वर सिंह को भी इस पूरे मसले जी, में लाएं? जी, क्या जी, चाहते हैं? क्यों नहीं चाहेंगे? जी जी, उनको भी चाहे, उनको भी वही तो सब कुछ करवाए हैं, मौसेरे होके इतना बड़ा काम करवा दिए, मेरे भाई मेरे बहन सब चला के, उनकी भी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जी जी, एकदम उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कर। जब कोई धमकियां कब से मिलने लगी है? यही इस बीच में भी मिली है, और आज से कुछ दिन पहले भी भाया, मतलब उनके भी रिलेशन मेरे भी रिलेशन वो आए थे कि आप लोग मेरा कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हमको उसे नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ भाई बहन जो मेरा चला गया वो तो वो लोग ला के नहीं देंगे, उनको कोई इस प्रकार का वो भी नहीं है कि थोड़ा सा कुछ हो, लेकिन ऐसा भाई तो भगवान किसी को ना दे, कपिलेश्वर सिंह जैसा हम भगवान को मांगते हैं कि ऐसा भाई किसी को ना दे जो मेरे भाई बहन सब मैंने पूरा घर ही को बर्बाद कर दे। ठीक, दुखद घटना हुई थी, इसके क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विक्टिम कंपनसेशन बोर्ड की बैठक हुई, उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा राशि देने के संदर्भ में कंपनसेशन के निर्णय लिया गया था। डीएलएसी सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ थे और लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके परिवार की क्या वर्तमान समस्या है उन्होंने जाना है और जो सहायता राशि कितने की राशि सर आज भी दिया गया और क्या आगे भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जो है उसका एक अंश जो है जो निर्णय हुआ था जिला सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको हम लोग दिए हैं, और आगे जिस प्रकार से भी निर्णय कमेटी के द्वारा होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। जो बातें आपसे हो रही थी सर उसमें सुरक्षा भी की गुहार लगा रही है, सुरक्षा भी किया जा रहा है? सुरक्षा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है, कोई भी नागरिक हैं उसको सुरक्षित रखना हम लोगों का फर्ज भी है, धर्म भी है, तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि सुरक्षा संबंधी बिंदु को लेकर के किसी को भी करना है। थ्रेट दिया जा रहा है परिवार को जो सामने सामने से उनके द्वारा कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं, तो इस पर भी निश्चित रूप से हम लोग एसपी साहब को लिखेंगे, और जो मामले में अगर कोई थ्रेट दे रहे हो तो जो विधि सम्मत है संज्ञान लेते हुए उनके कार्रवाई। अभी सर जो पूरे व्यक्ति सीसीटीवी में चिन्हित किए गए वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, इस पर कुछ कहेंगे सर? नहीं, गिरफ्तारी के मामले में तो एसएसपी साहब आपको डिटेल में बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें तो जो आरोपी हैं जो भी इस घटनाक्रम में लोग शामिल हुए हैं उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है। थैंक यू सर। और उनको फौरन कुछ राहत की ज़रूरत थी तो हम लोगों ने तुरंत ही इसमें इनिशिएटिव लिया और दोनों विक्टिम को 1-1 लाख रुपया का तत्काल जो है राशि उपलब्ध कराई गई है, और आगे भी मान लीजिए इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आगे भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। जहाँ तक 1-1 लाख रुपया देने का बात है तो तत्काल उनको इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मैटर आएगा, ट्रायल होगा और अंतिम रूप से इसका फैसला होगा। फैसले के वक्त अगर न्यायालय जो है ज़्यादा कुछ अवार्ड करता है
तो जो भी पैसा बचा हुआ राशि है इनको उपलब्ध कराई जाएगी। कितने राशि से मैक्सिमम दिया जा सकता है? ये बर्निंग का केस और डेथ का केस है, तो डेथ के केस में हमको 5 से 7 लाख रुपये फाइनली मिलता है, और बर्निंग के केस में वो देखा जाता है कि 5% है, 20% है, ये है, जैसे इसका 5% है तो उसमें भी इनको 3 लाख रुपये तक हम लोग अवार्ड करते समय, जजमेंट देते समय दिए थे। सर मामला क्योंकि अब न्यायालय में पहुंच रहा है, तो ऐसे में लीगली किस तरह से मदद आप लोग परिवार को? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति जिनके पास साधन नहीं है, जो अपने मामलों को नहीं रख सकते, उनको कानून की जानकारी नहीं है, तो सारी चीज़ें उपलब्ध कराए। हमें तत्काल ही इन लोगों के लिए अपने पैनल से एक लॉयर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस के लिए रख दिया है। वो टाइम टू टाइम पीड़िता से बात करते हैं, उनको जो भी उपलब्ध चीज़ चाहिए, चाहे कानून की जानकारी चाहिए या कोर्ट में कोई मामला इनका रखना है स्पेसिफिकली, तो वो रखते हैं। थैंक यू सर।